हाँ जी, हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम मोहित ढींगरा, वेलकम टू सीबीसी शिक्षा। सो सीबीसी शिक्षा दी ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेस दे विच एक बारी फिर तुहाडा सारयां दा स्वागत है जी। सो जिवें कि तुसी स्क्रीन ते देख पा रहे हो, हुण आपां डिस्कस करांगे अपना पंजाब जीके दा सैशन, ठीक है जी। सो जो कि आपां काफ़ी दिनों तो अपनी एक सीरीज़ की शुरुआत की हुई है। सो अज अपना डे फाइव है, दैट इज़ अपनी फिफ्थ क्लास होगी पंजाब जीके दी, जिदे विच आपां पंजाब जीके दे सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चंस नूं डिस्कस करांगे, ठीक है जी। सो आने वाले जिहड़े भी पंजाब दे एग्जाम्स हैं उन्हां लई काफ़ी हैल्पफुल तुहाडे लई क्लास रहेगी। वैसे भी हुण पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की वैकेंसी भी आ जा चुकी है ना, सो वो भी अपनी ऐड हो चुकी है, सो उहदे लई भी काफ़ी ज़्यादा हैल्पफुल रहिणगियां। सो एक मौका हुणे तुहाडे लई है, सो तैयारी करो 25,000 सरकारी नौकरियां दी, 25,000 प्लस 900 प्लस होर हो गई है ना, जिद हाई कोर्ट की पोस्टा भी हैं। सो मेरे नाल माई नेम इज़ मोहित ढींगरा एंड दिस इज़ मी, तो ज्वाइन करो पंजाब का सब तो बेस्ट एंड अफोर्डेबल एजुकेशनल प्लेटफॉर्म, दैट इज़ सीबीसी शिक्षा। तो सीबीसी शिक्षा को ज्वाइन करने के लिए तुम ऐप डाउनलोड कर सकते हो जिदा नाम है सीबीसी शिक्षा, जो कि प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। एंड वैबसाइट है जी www.cbcsiksha.com। इस वैबसाइट पर जाके भी तुम कोर्सिज ले सकते हो। तो हेल्पलाइन नंबर है जी 9522-95232। इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके भी तुम अपनी जॉब्स के रिगार्डिंग, कोर्सिज़ के रिगार्डिंग सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हो, ठीक है जी। सो स्टार्ट करते हैं फिर आज का अपना सैशन, फटाफट एक बार सैशन के जुड़ जाओ। भुपिंदर चहल, गुड ईवनिंग। हरीश, हरप्रीत, सिमरन, टेक्निकल एजुकेशन, संजू कुमार, रविंदर जी, किन्नू, किरपाल, शिफाली सैनी, सारे गुड ईवनिंग। अज लेट क्यों हो गए सारे 15 मिनट? सो लेट ना होया करो, ठीक है जी। डेली 9 बजे पहुँच जाया करो, क्योंकि आप डेली अपनी 9 बजे क्लास लगा रहे हैं, है ना। गुड ईवनिंग मोहित जी। सो स्टार्ट करते हैं फिर आज का अपना सेशन, ठीक है जी। करिए फिर स्टार्ट, पहले ही तुसी 15 मिनट लेट हो। सत श्री अकाल संजीव, हाँ जी। अच्छा 7:09 सी सच अच क्लास, हाँ सच अच का क्लास ही अपनी 7:09 सी, है ना। चलो कोई गल, गुड इवनिंग हरीश जी। चलो स्टार्ट करिए जी फिर। चलो सो देखते हैं आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन। सो फर्स्ट क्वेश्चन की है, हु एक्सकेवेटेड द, अस्सलाम वालेकुम रोजी रानी, हु एक्सकेवेटेड द हरप्पन रिमेन्स एट रूपनगर ऑफ पंजाब। सो पंजाब का जोड़ा रोपड़ डिस्ट्रिक्ट है, रूपनगर है, सो दे जड़े हड़प्पा दे एक्सकेवेशंस है, खुदाइया हैं, उन्होंने एक्सकेवेट किन्ने किया? ऑप्शंस है वाई डी शर्मा, दयाराम साहनी, राखलदास बंदोपाध्याय या फिर नन ऑफ दैम। हाँ जी, सो रूपनगर पंजाब दे विच जड़ी हड़प्पन रिमेन्स है उन्हों की एक्सकेवेशंस, उन्हों की खुदाई किन्ना ने की? गुड ईवनिंग अवतार, बिल्कुल जी। सो सारे का आंसर बिल्कुल ठीक है, दैट इज़ ए ऑप्शन, वाई डी शर्मा। सो वाई डी शर्मा ने रूपनगर है जिहड़ा पंजाब दे विच, उहदे विच हड़प्पन रिमेन्स नूं एक्सकेवेट किया। सो हड़प्पा की खोज कदों हुई सी? 1921 दे विच, है ना। किने कीती सी? दयाराम साहनी ने। सो दयाराम साहनी जिहड़े है इन्हां ने सब तो पहला जिहड़ा शहर डिस्कवर किया सी, उह किहड़ा सी? हड़प्पा। तो हड़प्पा बारे पूछा जाता है, हड़प्पा कड़ी नदी के किनारे है? सो आरे तो याद रखियो, रावी, रावी नदी के किनारे है, ठीक है जी। दूसरा शहर जिहड़ा डिस्कवर होए सी, मोहनजोदारो सी, मोहनजोदारो, मोहनजोदारो नूं आपां होर की बोलते हैं, ओएसिस ऑफ सिंध। सो ओएसिस ऑफ सिंध भी मोहनजोदारो नूं बोलिया जाता है। तो यह है जिहड़ा इंडस नदी के किनारे सी, तो मोहनजोदारो की खोज की सी बाय आर डी बैनर्जी, ठीक है जी, आर डी बैनर्जी। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट सिविलाइजेशन है हड़प्पन सिविलाइजेशन, जिन्होंने आप इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहने। सो इस टाइम है ना बाटर सिस्टम है जिहड़ा इस टाइम फॉलो हुंदा सी हड़प्पन सिविलाइजेशन दे टाइम, ये क्वेश्चन भी एग्जाम काफ़ी पूछा जाता है। सो याद रखना है ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर, दैट इज़ वाई डी शर्मा। क्लियर है? सो फर्स्ट अपना आंसर हो जूगा ए ऑप्शन। सो सारे ने बिल्कुल ठीक आंसर दिता है, मोस्टली सारे का आंसर ठीक ही है। चलो वेरी गुड। सो नेक्स्ट देखते हैं जी, सेकंड क्वेश्चन है, हु रोट द फेमस संस्कृत प्ले मुद्र राक्षस एंड विच इज़ ए वैल्यूएबल सोर्स फॉर द हिस्ट्री ऑफ पंजाब।
समुद्र राक्षस जिहड़ा प्ले है संस्कृत प्ले है उन्हों किन्ने लिखा। सो ऑप्शन है कालिदास, भावभूति, कलहन या फिर विशाख दत्त। सो इस बुक तो आपू पंजाब की हिस्टरी बारे काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिलती है इस बुक तो। सो आप दसना है भी इन्हें किन्ने लिखे। हाँ जी, सो बिल्कुल ठीक है जी, डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर, दैट इज़ विशाख दत्त, है ना। सो विशाख दत्त ने इंपॉर्टेंट प्ले लिखा सी जिहदा नाम है मुद्र राक्षस। सो इनू याद इदा रख सकते हो, राक्षस होंदे जिहड़े बहुत ही ज़्यादा विशाल होंदे आ, विशाल तो विशाख, विशाख दत्त, ठीक है जी। सो डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। मनजीत जी सत श्री अकाल। कलहन ने एक बुक लिखी सी जो कि है राज तरंगिनी, ये भी बुक काफ़ी ज़्यादा एग्जाम दे विच पूछी जाती है, जिदे जो कश्मीर दे उत्ते बेस्ड है, इट इज़ बेस्ड अपॉन द कश्मीर। एंड कालीदास दी बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कालीदास जिहड़े चंद्रगुप्त टू है, चंद्रगुप्त सैकेंड, जिन्हां नूं चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी बोलिया जाता है, उहदे दरबार दे विच नवरत्न हुंदे सी कालीदास। ते कालीदास दी बुक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिवें कि मेघदूत, कुमार संभव, अभिज्ञान शकुंतलम, नेक्स्ट वन इज मालविका अग्निमित्रम, मालविका ते अग्निमित्रम दी बुक है मालविका अग्निमित्रम, इन्हां दे उत्ते बेस्ड है, मतलब दो राजा रानी है। ते अगली है ऋतु संहार, ये मैं पांच बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स लिखी हैं जिहड़ी तुसी कालीदास जी दी याद रखनी है, ठीक है जी। सो इन्हां नूं शेक्सपीयर ऑफ इंडिया भी बोलिया जाता है कालीदास नूं। सो मेघदूत, कुमार संभव, अभिज्ञान शकुंतलम, मालविका अग्निमित्रम ते ऋतु संहार। सो ये सारियाँ बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स है, ये आपां याद रखनी है। गुड ईवनिंग राजू। ते मुद्र राक्षस बुक नूं लिखा सी विशाख दत्त। सो डी ऑप्शन इज़ द करैक्ट आंसर, ठीक है जी, विशाख दत्त अपना सही आंसर हो जूगा। सो विशाख दत्त दे विच आपां नूं चंद्रगुप्त मौर्य जिहड़ा उहदे बारे भी काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिलती है, दैट इज़ अबाउट चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, क्लियर है। सो वेरी इंपॉर्टेंट, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन ते। सो अगला क्वेश्चन देखो की है, नेम द किंग हु कैप्चर्ड पंजाब फ्रॉम द मौर्यास एंड इस्टैबलिश शुंग डायनेस्टी। सो मौर्यास तो बाद जिहड़ा अगला वंश आंदा है शुंग वंश आंदा है, सो उन्हूं कैप्चर किन्ने किया सी, हिरियावस, कुजुला कैडफिसिस, पुष्यमित्रा शुंग या फिर नन ऑफ दीज। हाँ जी, सो बिल्कुल ठीक है जी, सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर, दैट इज़ पुष्यमित्रा शुंग, ठीक है। सो पुष्यमित्रा शुंग है मौर्य तो बाद आंदा है तो इस्टैबलिश करता है शुंग वंश। देखो मौर्य वंश का जिहड़ा लास्ट किंग होंदा उहदा नाम की होंदा, सो लास्ट किंग ऑफ मौर्यन डायनेस्टी, सो लास्ट किंग होंदा जी बृहद्रथ, ठीक है। तो जिवें आपां नूं पता है जिहड़े लास्ट किंग्स हैं वो इनकैपेबल होंदे, ज़्यादा पावरफुल नहीं होंदे, सो उन्हूं इहदा ही सेनापति मार दिंदा बृहद्रथ का। तो बृहद्रथ का सेनापति कौन होंगे, पुष्यमित्रा शुंग। सो पुष्यमित्रा शुंग है बृहद्रथ नूं मार के मौर्य वंश नूं खत्म कर दिंदा, तो शुंग वंश इंडिया इस्टैबलिश करता है पुष्यमित्रा शुंग। सो सी ऑप्शन इज़ द करैक्ट आंसर। अच्छा मैनूं इदां दसो, कुजुला कैडफिसिस ये कहड़े वंश का राजा से। सो डायनेस्टीज़ तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो कुजुला कैडफिसिस इज़ द फाउंडर ऑफ विच डायनेस्टी। हाँ जी, सो इस क्वेश्चन का आंसर दो, कुजुला कैडफिसिस केड़े वंश का संस्थापक सी, कुशान वंश, वेरी गुड। सो कुशान वंश है जड़ा, कुशान वंश का संस्थापक कौन सी, कुजुला कैडफिसिस। ते कुशान वंश का इंपॉर्टेंट राजा कौन सी, कनिष्क, है ना, कनिष्क। कनिष्क वही है जिन्हें फोर्थ बुद्धिस्ट कौंसिल कराई सी, है ना, चौथी बुद्धिस्ट कौंसिल कराई सी, कित्थे करवाई सी, कश्मीर दे विच। तो इसे कौंसिल दे विच की होया सी, बुद्धिज़म है दो भागों के वंड गया सी, एक सीगा जी हीनायान ते दूसरा सीगा जी महायान, ठीक है जी।
हीनायान मूर्ति पूजा नहीं करता सी, महायान की है मूर्ति पूजा करन लग गया सी। ठीक है, सो ये भी चीज़ अपना याद रखनी है। क्लियर है? सो इस क्वेश्चन का अपना आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, दैट इज पुष्यमित्रा शुंग। नेक्स्ट देखो जी, इन 1341 1341 दे विच पंजाब वॉज इनवेडेड बाय, पंजाब दे उत्ते हमला कौन करता है? इनवेडेड का मतलब होंगे हमला, पंजाब दे उत्ते हमला कौन करता है? देखो अपनी इंग्लिश इंप्रूव करना शुरू कर दो, क्योंकि पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट है जड़ा उदे विच इंग्लिश ते जीके ही आ रही है, सो ये सैशनस काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, सो चलो नाल नाल इंग्लिश भी कर लें। सो इनवेडेड का मतलब होंगे अटैक करना, हमला करना। ठीक है, सो 1341 दे विच कहिंदे इंडिया च किन्ने अटैक कीता सी? सो ऑप्शनस है यामिनीस, गखर्ड्स, राजपूत या फिर नन ऑफ दीस। गुड मॉर्निंग ज्योति, सर नूं मेरा पता ही है। चलो सो 1341 दे विच पंजाब ते हमला किन्ना वल्लों किता गया सी? हाँ जी, किसे वालों आंसर नहीं आ रहा आज की गल? सो 1341 दे विच पंजाब ते हमला किया सी गखर्ड्स ने, सो बी ऑप्शन इज़ द करैक्ट आंसर, दैट इज़ गखड़। ठीक है, सो गखड़ है जड़े इन्हें पंजाब ते हमला करते 1341 दे विच। ठीक है, सो ये आप यही याद रखना है 1341 दे विच पंजाब अटैक करते गखड़। ठीक है, ओके सतनाम सिंह जी, जरूर सारिया क्लासेस ही लेना मैं शुरू कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी, अगला क्वेश्चन है अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ पंजाब वॉज एन इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट ड्यूरिंग कुतुबद्दीन ऐबक। एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट का मतलब होंगे प्रशासन, प्रशासनिक। सो प्रशासनिक यूनिट होंगी सी, कड़ी होंगी सी, केड़ा डिस्ट्रिक्ट कुतुबद्दीन ऐबक दे टाइम दे विच? ऑप्शनस है अमृतसर, रूपनगर, रोपड़ या फिर बठिंडा। करमजीत, आई एम वेरी गुड। नहीं जी, बठिंडा इज़ द रोंग आंसर, बठिंडा इज़ द रोंग आंसर, बठिंडा इज़ द रोंग आंसर। बठिंडा बारे चर्चा तो जदों रजिया सुल्ताना होंदी है अल्तूनिया दे नाल पहुँचती है उदों होंदी है ना। सो एक अच्छी, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रशासनिक शाखा होंदी सी कुतुबद्दीन ऐबक दे टाइम, केड़ा डिस्ट्रिक्ट पंजाब दा? बिल्कुल, सो पंजाब पुलिस वालों बिल्कुल सही आंसर आया, दैट इज रोपड़। सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, दैट इज रूपनगर। सो रूपनगर यानी कि रोपड़ है जड़ा वो एक इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट होंगी सी कुतुबद्दीन ऐबक दे टाइम दे विच। ठीक है, सो कुतुबद्दीन ऐबक जो कि स्लेव डायनेस्टी का फाउंडर सी है ना, सो ही इज़ द फाउंडर ऑफ स्लेव वंश, गुलाम वंश का फाउंडर सी। तो इनू आप की टाइटल दें? इनू टाइटल दिता जाता है लाख बख्श। ठीक है जी, हाँ बिल्कुल है तो सेम ही। हाँ सही गल है, रूपनगर रोपड़। चलो ये ऑप्शन आप कर देने, चलो ठीक है, जिन्होंने रोपड़ आंसर दिता वो भी ठीक है बिल्कुल। सो गलती नाल ऑप्शन इतने मिसप्रिंट है, सो जिन्होंने सी आंसर दिता रोपड़ ये भी बिल्कुल ठीक है। चलो कोई गल नहीं, कंफ्यूज ना हो, रूपनगर कह लो या रोपड़ कह लो, गल एक ही है। ठीक है, बिल्कुल, सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट देखो जी, अगला अपना आज का क्वेश्चन है, विच इज द ओल्डेस्ट तख्त ऑफ सिक्स। सो अपना सब तो पुराना जड़ा तख्त है वो केड़ा? तख्त श्री दमदमा साहिब, तख्त श्री अकाल तख्त, तख्त श्री पटना साहिब या नन ऑफ दीज। सो सब तो ओल्डेस्ट तख्त दसने, तो टोटल तख्त अपने पांच है ना। बिल्कुल, सो अकाल तख्त है ना, सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आशीष कुमार, वेरी गुड। सो अकाल तख्त है जड़ा ये अपना सब तो ओल्डेस्ट तख्त है। ठीक है जी, सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, ये भी याद रखना है, इंपॉर्टेंट है।
ਚਲਦੇ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਤਖਤ ਤੇ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਸੋ ਤਖਤ ਸ਼੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦ ਹੋਲੀ ਸਿੱਖ ਪਿਲਗ੍ਰੀਮੇਜ ਇਜ਼ ਲੋਕੇਟਡ ਔਨ ਦਾ ਬੈਂਕ ਆਫ ਵਿਚ ਵਨ ਆਫ ਫੋਲਿੰਗ ਰੀਵਰਸ। ਸੋ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਆ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਕਾਵੇਰੀ, ਗੋਦਾਵਰੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਹਾਨਦੀ ਜੀ। ਮਹਾਨਦੀ, ਚਲੋ। ਸੋ ਤਖ਼ਤ ਸ਼੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਨਾਂਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਨਾਂਦੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ, ਨਾਂਦੇੜ ਜੋ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੋਹਿਤ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂਦੇੜ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਹੈ? ਗੋਦਾਵਰੀ ਨਦੀ। ਸੋ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਤਖ਼ਤ ਸ਼੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਹੈ? ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਗੋਦਾਵਰੀ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ। ਸੋ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ। ਗੋਦਾਵਰੀ ਨਦੀ ਦੀ ਲੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਦੱਸੋ? ਵਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਲੈਂਥ ਆਫ ਦਾ ਰਿਵਰ ਗੋਦਾਵਰੀ? ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਲੈਂਥ ਆਫ ਦਾ ਰਿਵਰ ਗੋਦਾਵਰੀ? 1300 ਸਮਥਿੰਗ? ਨਹੀਂ, 1300 ਸਮਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਦਾ ਰੋਂਗ। ਸੋ ਗੋਦਾਵਰੀ ਦੀ ਲੈਂਥ ਹੈ ਜੀ 1465 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, 1465 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਸੋ 1465 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਇਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਲੌਂਗੈਸਟ ਰਿਵਰ ਆਫ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਦਕਸ਼ਿਣ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੀ ਨਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਗੋਦਾਵਰੀ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਸੋ ਗੋਦਾਵਰੀ, ਦ ਗੋਦਾਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਦਕਸ਼ਿਣ ਗੰਗਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ। ਅਤੇ ਗੋਦਾਵਰੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਨਾਂਦੇੜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਉਹ ਗੋਦਾਵਰੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਾਸਿਕ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਗੋਦਾਵਰੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਹੈ ਅਮਰਾਵਤੀ ਸ਼ਹਿਰ। ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਅਮਰਾਵਤੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਮਰਾਵਤੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਮਹਾਨਦੀ, ਮਹਾਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ? ਸੰਬਲਪੁਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੰਬਲਪੁਰ। ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕਟਕ। ਸੋ ਕਟਕ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੰਬਲਪੁਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਮਹਾਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਨਾਸਿਕ ਦਾ ਪਿਆਜ਼ ਬਹੁਤ ਫੇਮਸ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਈਟ ਜਿਹੇ ਕਲਰ ਦਾ ਪਿਆਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ, ਚਿੱਟੇ ਕਲਰ ਦਾ, ਹੈ ਨਾ, ਤਿੱਖਾ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ। ਬਟ ਚਲੋ, ਸੋ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ। ਸੋ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਿਸਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਣ ਫੇਵਰੇਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਚਲੋ, ਸੋ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਿਸਨੇ ਕੀਤੀ? ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ, ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ, ਇਲਤੁਤਮਿਸ਼ ਜਾਂ ਫਿਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਹ ਤੁਗਲਕ? ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਨਹੀਂ ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ, ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਰੋਂਗ ਆਨਸਰ। ਸੋ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਫਿਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਹ ਤੁਗਲਕ। ਸੋ ਫਿਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਹ ਤੁਗਲਕ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਫਿਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਹ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਚਲੋ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੱਸੋ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਵਾਏ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਹ ਤੁਗਲਕ ਨੇ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਰਾਜਾ ਵੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਰਾਜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਸੀ ਇਹਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਹ ਤੁਗਲਕ ਨੇ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਇਹਨੇ। ਕਿਹਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਵਾਈ ਸੀ? ਬਿਲਕੁਲ, ਜੌਨਪੁਰ, ਹੈ ਨਾ, ਜੌਨਪੁਰ, ਫਤਿਹਾਬਾਦ, ਬਿਲਕੁਲ ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂ। ਸੋ ਜੌਨਪੁਰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜੌਨਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਿਹਨੇ ਕਰਾਇਆ ਸੀ? ਇਹ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਫਿਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਹ ਤੁਗਲਕ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ, ਕੁਤੁਬ ਮੀਨਾਰ ਨੂੰ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਹੈ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅਬਾਊਟ ਫਿਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਹ ਤੁਗਲਕ, ਜੋ ਤੁਗਲਕ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੈਨਾਲਸ ਬਣਵਾਈਆਂ ਸੀ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ 37 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਇਹਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ,
37 years, सो 37 साल तक राज कर दें फिरोज शाह तुगलक, इम्पॉर्टेंट राजा है तुगलक वंश का, ठीक है जी। सो इंपॉर्टेंट है जी, इब्राहिम लोधी, ये लोधी वंश का आखिरी राजा से। 1526 के बाबर के नाल लड़ाई होंगी है, जिन्हों पर बोलते हैं फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। ठीक है जी, तो सिकंदर लोधी ने की करवाया से, चलो ये दसो सिकंदर लोधी ने किहड़े शहर का निर्माण करवाया से, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शहर दसना है। हाँ जी आगरा, बिल्कुल। सो आगरा शहर का निर्माण कराया सी 1504 दे विच, ठीक है जी। सो वही करवाया सी सिकंदर लोधी ने, बिल्कुल। सो याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सकीना सकू, थैंक यू एंड वेरी नाइस नेम, बहुत अच्छा नाम है तुहाडा। चलते नैक्सट क्वेश्चन ते, पुराने पंजाब विच बागा दा शहर किहड़े शहर नू किया जांदा सी। सो बागा दा शहर किन्नू कहिंदे सी, अमृतसर, लाहौर, पटियाला या फिर जलंधर। हाँ जी, बागा दा शहर पटियाला, बिल्कुल। सो पटियाला इज़ द वेरी रोंग आंसर, वेरी गुड। सो बिल्कुल सही तरीके नाल सारे ने गलत आंसर अपना दे दिता है। गुड इवनिंग डिम्पी शर्मा, सो वेरी गुड, पटियाला इज़ द रोंग आंसर, वेरी गुड। ले हुण अमृतसर दे मगर भज गए, अमृतसर भी गलत है जी। बस ए बी सी डी रट ही रखे दोस्त कीबोर्ड ते, है ना। चलो सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, लाहौर, है ना। सोचा नहीं भी लगता था लाहौर ही आ, ऐदा नहीं सोचा कदे भी लगता था लाहौर ही आ, है भी। सो बागा का जोड़ा शहर है किनू कहें, लाहौर नू कहें, है ना। सो लाहौर है जोड़ा किड़ी नदी के किनारे है, रावी नदी के किनारे है, तो पाकिस्तान दे विच है, है ना। सो पाकिस्तान पंजाब दे विच काफ़ी इंपॉर्टेंट एक शहर है, दैट इज़ लाहौर, रावी नदी के किनारे है, ठीक है। सो लाहौर नू बोले जाता है जी बागा का शहर। सो पुराने पंजाब विच बोलते सी, ठीक है, जो पंजाब पहला एक ही हुंदा सी, आज़ादी तो पहला की गल कर रहे हैं, ठीक है। सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं जी अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, मोहम्मद गौरी ने पंजाब विच केड़े दरे राही प्रवेश किया सी। दरा, दरा मतलब होंगे जी की बोलते हैं इंग्लिश दे विच, माउंटेन पास। सो ऑप्शंस है बोलान, टोची, खैबर या फिर कुरम। सो मोहम्मद गौरी बारे आप दसना है, पंजाब विच केड़े दरे राही प्रवेश करता है, प्रवेश करता है, ये करता जी खैबर, बिल्कुल। सो सी ऑप्शन इज द करैक्ट आंसर। सो जो दो पहाड़ों के जगह होंगी उन्होंने पास बोलते हैं खैबर दरा, है ना। सो काफ़ी पुरानी हिस्टोरिक, काफ़ी इतिहासिक पहाड़ी दरा है खैबर। सो काफ़ी लोग इस तरह के थ्रू इंडिया च आते हैं, ठीक है जी। सो एक कुदरती यह पास है जी, इंपॉर्टेंट है। सो मोहम्मद गौरी आंदा है 1191 के तराइन की लड़ाई लड़ता है ना, कि मोहम्मद गौरी कि पृथ्वीराज चौहान के नाल, तो 1192 के फिर ये तराइन की लड़ाई लड़ता है, वह भी मोहम्मद गौरी के नाल। पहली दे विच मोहम्मद गौरी हार जाता है, सॉरी जित जाता है, तो दूसरी दे विच मोहम्मद गौरी हार जाता है। सो याद रखना है, ये गल है जी 91 ते 92 की, ठीक है जी। सो याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो खैबर पास है ना, जो कि हुण पाकिस्तान ते मेन अफगानिस्तान दे विच इह लोकेटिड है, ठीक है। सो याद रख, बिल्कुल 94 नहीं है जी, 1191 ते 92, ठीक है जी, क्लियर है।
हाँ जी, सो नेक्स्ट क्वेश्चन दे चलते हैं। पंजाब विच जोगियां दा प्रसिद्ध केंद्र केड़ा सी? जोगियां दा केंद्र केड़ा सी? गोरखपुर या फिर गोरखनाथ दा टिल्ला या फिर तलुंबा या फिर नारनौल? सो जोगियां दा केंद्र किन्नू कहा जाता सी? सो बिल्कुल, सत श्रीकाल अंगद कंबोज, काफ़ी दिन बाद देख रहे हो अंगद जी। बिल्कुल रुपिंदर कौर, सत श्रीकाल जी। सो वेरी गुड, सारे एक बार अटेंडेंस जरूर लगवा दिया करो। रमनदीप ओके, कोई गल नहीं, बाद दे विच देख लियो बाकी सेशन। सो बिल्कुल ठीक है जी, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, दैट इज गोरखनाथ दा टिल्ला। सो गुरु गोरखनाथ है जिहड़े पंजाब दी जिहड़ी लोक कथावां है, ठीक है, उन्हां दे विच इन्हां दा नाम काफ़ी वार वार आउंदा है ना। सो 9वीं सदी दे विच पेशावर दे विच इन्हां दा जन्म होया सी, पेशावर, ठीक है, हाँ। सो पेशावर दे विच इन्हां दा जन्म होया सी ते इन्हां दे गुरु दा नाम भी कई बार आपां नूं पुछ लैंदे आ। सो गुरु दा नाम सी मच्छिंद्र नाथ, ठीक है जी, मच्छिंद्र नाथ, क्लियर है, हाँ। आ गए ना याद फिर गाने। सो पंजाब पुलिस भी गाने गा लेंदी है ना। सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं जी अगला क्वेश्चन। सो जिहड़े स्टूडेंट एक्साइज इंस्पैक्टर की तैयारी कर रहे हो, ठीक है जी, उन्हां लई मॉक टेस्ट सीरीज़ है जिहड़ी अवेलेबल है सीबीएसई शिक्षा ते। सो सीबीएसई शिक्षा तो तुसीं अपने 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट लै सकदे हो जिहदी फीस है 299, ठीक है जी। सो सीबीएसई शिक्षा एंड्रॉयड ऐप है जिहड़ी, सीबीएसई शिक्षा प्ले स्टोर ते गूगल प्ले दोनों ते अवेलेबल है, ठीक है जी, सो लै सकदे हो। नेक्स्ट देखते हैं जी, लोधी वंश का संस्थापक कौन सी? जगदीश लावांगे लावांगे, कोई गल नहीं। सो लोधी वंश का संस्थापक आपको दसना है, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी, बहलोल लोधी या दौलत खान लोधी? बिल्कुल, सो ये कोई भी डिफिकल्टी नहीं है। सो लोधी वंश का संस्थापक कौन सी? दैट इज बहलोल लोधी, ठीक है जी। सो बहलोल, ठीक है, सो बहलोल लोधी, ठीक है जी। सो बहलोल लोधी है जेड़ा, नहीं अंगद फिलहाल तो नहीं, वैसे लगाने बट फिलहाल नहीं। पोपी जी गुड ईवनिंग, बट ये थोड़े सिलेबस दे विच नहीं आना। सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है जी, बहलोल लोधी, ठीक है जी। सो बहलोल लोधी है जेड़ा लोधी वंश का पहला सुल्तान सी, है ना, संस्थापक सी जो लोधी खानदान की नींव रखता है ना, योद्धा भी सी ते पंजाब दा राजपाल भी बनाया सी, इंपॉर्टेंट है सी ऑप्शन। क्लियर है, चलो नेक्स्ट देखते हैं जी, मुगल काल विच पंजाब केड़े नां नाल जाने जांदा सी? सो मुगल काल विच पंजाब नूं की बोलते सी? ऑप्शंस है लाहौर प्रांत, टक देश, पंजाब प्रांत या फिर पंचनाद। ओके पुपी, चलो शुक्र है, पर आए तुसी फिर भी आज लेट ही हो। हाँ जी, सो बिल्कुल ठीक है जी। सो मुगल काल विच है ना पंजाब है इनू लाहौर प्रांत कहते से, ठीक है जी। सो लाहौर प्रांत ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। एकमदीप ओके, सो लाहौर जिला है ना एक महानगर ही सीगा है ना, इनू महानगर खेतर जड़ा है घोषित किया गया सी। एकमदीप जी सत श्रीकाल, ज्यौंदे रहो, ज्यौंदे रहो कहने वाले हले होए नहीं है ना, आप हैलो ही मिला लेने। एंड इस नू है ना भी 9 जोनस दे विच डिवाइड किया गया सी है ना लाहौर जड़ा है प्रांत तो मुगल काल दे विच। ओके पुप्पी वेरी गुड, सो अच्छा स्कोर है 132, वेरी गुड।
नेक्स्ट है जी, दुरानी वंश का संस्थापक कौन सी? बाबर, शेरशाह सूरी, अहमद शाह अब्दाली या फिर नादर शाह? हाँ जी, सुदरानी वंश का संस्थापक। सो बिल्कुल हाँ, राष्ट्रपति अपने बिल्कुल, वाइस प्रेसिडेंट भी नवे बन गए, जगदीप धनखड़। बिल्कुल, सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, दैट इज अहमद शाह अब्दाली। सो अहमद शाह अब्दाली है, वैसे द रियल नाम सीगा अहमद शाह दुरानी, ठीक है, अहमद शाह दुरानी, ठीक है। सो 1747 ईस्वी के बीच इन्हें जरा दुरानी अपना वंश है यदि स्थापना की सी, ते बहुत मतलब लोगों द्वारा इनू आधुनिक अफगानिस्तान का संस्थापक भी मनिया जाता है, ठीक है, अज्ज के अफगानिस्तान का संस्थापक भी मनिया जाता है, दैट इज़ अहमद शाह दुरानी या फिर अहमद शाह अब्दाली। ठीक है जी, सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलो, सो नेक्स्ट देखते हैं जी, अगला क्वेश्चन, मीर की उपाधि किसनों दी जाती सी? सो पहला पंजाब दे विच मीर की उपाधि किनू दी जाती सी? जागीरदार, सैनिक, जिमीदार या फिर कारदार? सो पुराने समय दे विच आपां कह सकते हैं सिंपली मीर की उपाधि किनू दी जाती सी? मीर नहीं, जिमीदार इज द इनकरेक्ट आंसर। सकीना, जागीरदार इज ऑल्सो इनकरेक्ट। सो बिल्कुल इस क्वेश्चन का अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, दैट इज सैनिक। सो मीर की उपाधि है ना पुराने समय के विच ये सैनिकों दी जाती सी, सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, वड्डा घल्लूघारा की घटना किस स्थान पर हुई सी? वड्डा घल्लूघारा ये कितने होंगे पाए दसना, नांदेड़, कानूवाल, दीना कांगड़ या कुप पिंड? बिल्कुल, सो ए सीगा जी कुप पिंड। सो वड्डा घल्लूघारा कितने हुए सी? कुप पिंड, है ना। सो ये 1767 की गल है जदों जंडियाला तो अपनी सिख फौजां वापस जा रही सी, ठीक है जी, ठीक है जी। सो उदों संगरूर जिले दे विच, है ना, इस पिंड दे विच जिहड़ियां फौजां रुकिया हुई सी, उत्थे अब्दाली दी फौज ने, है ना, उन्हां ते फिर अटैक करता सी, ठीक है। सो कुप पिंड दे विच कीता सी, सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, दैट इज कुप पिंड। चलो क्लियर है जी। सो नेक्स्ट देखते हैं जी, अगला क्वेश्चन, राजा टोडरमल किस दा समकाली सी? समकाली दा मतलब होंदा है कंटेम्प्ररी, समकाली इक्की दा समकाली सी? गुरु नानक देव जी, गुरु रामदास जी, गुरु गोबिंद सिंह जी या गुरु महाराजा रणजीत जी? सो राजा टोडरमल, सो महाराजा रणजीत सिंह जी इज द इनकरेक्ट आंसर, गलत है जी। हाँ जी, सो डी ऑप्शन इज द रॉन्ग आंसर। बिल्कुल, सो इस क्वेश्चन का अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, दैट इज गुरु, श्री गुरु रामदास जी। सो राजा टोडरमल सी, है ना, यदा जन्म 1500 ईस्वी के होया सी, 1500 ईस्वी, ये होया सी लाहरपुर, एक जगह है लाहरपुर। सो ये लाहरपुर जिहड़ी जगह है यूपी दे विच है, उत्थे इन्हां दा जन्म होया सी, ते टोडरमल की गल कर रहे हैं अपना, तो गुरु रामदास जी का समकाली से, ठीक है। सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल, सो अकबर का जिहड़ा नवरत्न दे विच भी हुंदा सी, नौ रतन सी जिहड़े,
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸੀ ਟੋਡਰਮਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਟੋਡਰਮਲ ਕੌਣ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਈਨਾਂਸ ਸੰਭਾਲਦਾ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ, ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਅਕਬਰ ਦਾ। ਅਤੇ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਟੋਡਰਮਲ ਬੰਦੋਬਸਤ, ਟੋਡਰਮਲ ਬੰਦੋਬਸਤ। ਸੋ ਟੋਡਰਮਲ ਬੰਦੋਬਸਤ ਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਹਨੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜਪਤੀ ਸਿਸਟਮ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਵੇਟ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਨੇਮ ਦਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਫੇਮਸ ਫੋਰ ਸਰਜਰੀਕਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ, ਸਪੋਰਟਸ ਗੁੱਡਸ, ਹੈਂਡ ਟੂਲਸ, ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਪਾਰਟਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼। ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਟਿਆਲਾ? ਸੋ ਸਰਜੀਕਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ, ਸਪੋਰਟਸ ਗੁੱਡਸ, ਹੈਂਡ ਟੂਲਸ, ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਪਾਰਟਸ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਫੇਮਸ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਦੈਟ ਇਜ਼ ਜਲੰਧਰ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ, ਜਲੰਧਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਜਲੰਧਰ। ਸੋ ਜਲੰਧਰ ਫੇਮਸ ਹੈ ਸਰਜੀਕਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਲਈ, ਸਪੋਰਟਸ ਗੁੱਡਸ, ਹੈਂਡ ਟੂਲਸ, ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ, ਹੈ ਨਾ, ਵਾਲਸ ਹੋ ਗਏ, ਪਾਈਪ ਫਿਟਿੰਗਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਬਸ ਬੋਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਲੈਦਰ ਟੈਨਰੀਜ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਫੇਮਸ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਜਲੰਧਰ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, ਅਗਲਾ ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੈ, ਸ਼ੂਗਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇਜ਼ ਲੋਕੇਟਡ ਇਨ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਪਲੇਸਿਸ ਇਨ ਪੰਜਾਬ? ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਲ ਆਫ ਦੀ ਅਬਵ? ਸਹਿਜ, ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਦੀ ਕਲਾਸ ਮੋਰਨਿੰਗ 7:15 ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਸੰਡੇ ਆ, ਮੰਡੇ ਤੋਂ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ। ਸੋ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਲ ਆਫ ਦੀ ਅਬਵ। ਸੋ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਬਟਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਭੋਪੁਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਗਵਾੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਆਪਣਾ SBS ਨਗਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਧੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਸ਼ੂਗਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਮੇਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਲ ਆਫ ਅਬਵ ਇਜ਼ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, ਅਗਲਾ ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੈ, ਵਿਚ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਇਨ ਪੰਜਾਬ ਇਜ਼ ਫੇਮਸ ਫੋਰ ਦਾ ਸਪੋਰਟਸ ਗੁੱਡ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼? ਸੋ ਸਪੋਰਟਸ ਗੁੱਡਸ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਫੇਮਸ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ? ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਜਲੰਧਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਟਿਆਲਾ? ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਜਲੰਧਰ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਸਿਆਲਕੋਟ, ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹੈ, ਬਟ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਹੈ ਸਪੋਰਟਸ ਗੁੱਡਸ ਦੀ, ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਰੈਕੇਟਸ, ਬਾਲ, ਬੈਟ, ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਬਟਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ? ਚਲੋ, ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ, ਵਿਚ ਅਮੰਗ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਏ ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇਨ ਪੰਜਾਬ? ਸੋ ਕਿਹੜੀ ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਬਾਈਸੀਕਲ, ਐਨਸਾਈਕਲ ਪਾਰਟਸ, ਸਵੀਮਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਪਾਰਟਸ, ਸਿਲਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਾਂ ਸਪੋਰਟਸ ਗੁੱਡਸ? ਸੋ ਕਿਹੜੀ ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ?
देखो बी ऑप्शन इज द रॉन्ग आंसर, बी ऑप्शन बाईसाइकिल, ये भी रॉन्ग है, नहीं। सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, दैट इज सिल्क इंडस्ट्री। सो सिल्क की जिहड़ी इंडस्ट्री है वो पंजाब दे विच स्मॉल स्केल इंडस्ट्री दे विच नहीं आती, ठीक है जी। तो बाकी बाईसाइकिल, साइकिल पार्ट, स्विंग मशीन पार्ट, स्पोर्ट्स गुड्स, ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, लेकिन सिल्क इंडस्ट्री इज नॉट ए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इन पंजाब। नेक्स्ट देखते हैं जी, अगला क्वेश्चन, गोराया, फगवाड़ा, मोगा आर फेमस फॉर विच इंडस्ट्री। सो गोराया, फगवाड़ा तो मोगा किस चीज़ लिए फेमस है, ऑटोमोबाइल, एग्रीकल्चर, पोल्ट्री या लेदर गुड्स। पोल्ट्री इज द रॉन्ग आंसर, ऑटोमोबाइल इज ऑल्सो द रॉन्ग आंसर। सुविधा अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, दैट इज एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट्स, ठीक है। सो जिहड़े एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट्स है जिवें कि टूल्स, मशीनस हो गई, ठीक है। सो ये सारिया फगवाड़ा, गुराया, मोगा है ना, तो लुधियाना, जलंधर, इन दे विच फेमस है, ठीक है। सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, अगला क्वेश्चन है, पंजाब एग्रो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन PAIC वॉज एस्टैबलिश्ड इन। सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, PAIC एग्रो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन ये कदों इस्टैबलिश हुई सी, 1960, 65, 66 या फिर 70। हाँ जी, सो बिल्कुल ठीक है जी, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, दैट इज 1966। सो एग्रो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन की स्थापना ये हुई सी 1966, ठीक है जी, वेरी गुड। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अनदर नेम ऑफ द रणजीत सागर डैम इज। सो रणजीत सागर डैम का दूसरा नाम की है, थीन डैम, भाखड़ा डैम, गोविंद सागर डैम या नन ऑफ द अबव। बिल्कुल, सो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, दैट इज थीन डैम। सो थीन डैम है, रणजीत सागर डैम नो थीन डैम बोलया जाता है। सो ये रावी नदी के किनारे है, ये भी आप याद रखना है, दैट इज ऑन द बैंक ऑफ रिवर रावी, ठीक है जी। थीन वैसे एक विलेज का नाम है पठानकोट दे विच, ठीक है। सो एक विलेज है यह पठानकोट दे विच, ठीक है जी। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो अगला दूसरा जिहड़ा नाम है रणजीत सागर डैम का, वह है थीन डैम, वेरी गुड। सो नेक्स्ट देखो, सो जिहड़े स्टूडेंट्स GK का रिवीजन बैच लेना चाह रहे हो फॉर अपकमिंग पंजाब एग्जाम्स दे विच लई, ठीक है, जिन्हां दे विच तुसी एक्साइज, वीडियो क्लर्क ते बाकी सारे एग्जाम्स दे लई रिवीजन बैच है जिहड़ा लै सकते हो, जिहदे विच लाइव ते रिकॉर्डिड क्लासेस मिलनगियां। सो यदि फीस है 499, सो ये भी तुसी CBC शिक्षा तो लै सकते हो, ठीक है जी। सो दैट इज GK रिविजन बैच। नेक्स्ट देखो, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मल्टीनेशनल कंपनीज एसोसिएटेड विद द राजपुरा थर्मल पावर प्लांट इन द स्टेट ऑफ पंजाब। सो जिहड़ा राजपुरा थर्मल पावर प्लांट है, वो किहड़ी कंपनी की हेल्प ना बने, स्टरलाइट एनर्जी, लार्सन एंड टोब्रो, रिलायंस पावर या नन ऑफ दीज। जगदीश जी दोनों ही होन गया। सो राजपुरा जिहड़ा थर्मल प्लांट है, एक इहदी हेल्प नाल लग गया, ये लग गया जी लॉर्सन एंड टोब्रो, LNT इहनू बोल देंदे आ, LNT, ठीक है जी। सो बी ऑप्शन इज द करैक्ट आंसर, LNT कंपनी की हेल्प दे नाल लग गया, जो कि एक मल्टीनेशनल कंपनी है। नेक्स्ट देखो जी, अगला क्वेश्चन है, विच स्टैट्यूटरी बॉडी फॉर्म्ड ऑन द 1 फरवरी 1959। सो 1 फरवरी 1959 किहड़ी बॉडी बनाई गई सी पंजाब दे विच, पेडा, PSPCL, PSEB या नन ऑफ दीस। सो 1959 में जिहड़ी एजेंसी बनी सी पंजाब चो है जी PSEB। सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, दैट इज पंजाब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड,
पंजाब स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड, ठीक है, इन्हू इस्टैबलिश किया गया सी 1959 दे विच, ठीक है। सो एक एक्ट पास किया गया सी जिहदा नाम सी इलैक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट 1948, ते इन्हू फिर लागू किया गया सी, बनाई गई सी ये संस्था 1959 नू, ठीक है जी। नेक्स्ट देखो जी, अगला क्वेश्चन है फिर PSPCL। सो PSPCL वाज फाउंडेड इन पंजाब। सो PSPCL की स्थापना कदों हुई सी, 2010, 12, 15 या फिर 16। हाँ जी बिल्कुल ठीक है जी। सो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, दैट इज 2010। सो 2010 दे विच है जिहड़ा PSPCL की स्थापना की गई सी, दैट इज पंजाब स्टेट पावर कारपोरेशन लिमिटेड, ठीक है जी। सो 2010 दे विच इहदी स्थापना जिहड़ी है वह की गई सी। नेक्स्ट देखो 43rd क्वेश्चन आज दा अपना, व्हाट इज द नेम ऑफ द रेलवे लिंक बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। सो इंडिया ते पाकिस्तान रेलवे लिंक का नाम की है, समझौता एक्सप्रेस, भागीदारी एक्सप्रेस, मैत्री एक्सप्रेस या फिर शताब्दी एक्सप्रेस। सो समझौता एक्सप्रेस या फिर इनू फ्रेंड एक्सप्रेस भी बोल देंगे। सो गुड इवनिंग जी खान साहब, बिल्कुल। सो विचो बंद कर देंगे है ना। सो यह है जी समझौता एक्सप्रेस, ठीक है। सो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, समझौता एक्सप्रेस। सकीना है पंजाब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वाली है। सो ये दिल्ली है ना, दिल्ली तो उस तो बाद अटारी, अटारी तो बाद लाहौर तक जाती है, ठीक है जी। सो दैट इज समझौता एक्सप्रेस, ठीक है। नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन है, नेम वन ऑफ द ओल्डेस्ट लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन इन इंडिया रनिंग थ्रू द स्टेट ऑफ पंजाब। सो काफ़ी लॉन्ग लंबी दूरी की ट्रेन है, तो पंजाब के बिचों चलती है, मतलब रन करती है पंजाब के बिचों दी, पास करती है। सो आंसर्स है, ऑप्शंस है पंजाब मेल, गोल्डन टेंपल मेल, शान ए पंजाब एक्सप्रेस या नन ऑफ दीज। बस भी चली सी उहदा, कहिंदे सी उहनूं सरहद ए इदां दा कुछ कहिंदे सी, सदा ए सरहद कहिंदे सी। नछत्तर सिंह जी उह तां है ही है जी करनी पैंदी है नछत्तर, बिल्कुल नछत्तर जी, नछत्तर जी ये तो याद रखना नहीं पैंदा, बस पढ़ते रहो आपे याद हो जाती है, ठीक है। बस पढ़ते रहना, अपना अपना काम है, बस पढ़ते रहना, ठीक है। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट है जी, ये ट्रेन हो जूगी अपनी पंजाब मेल, ठीक है। सो पंजाब मेल है, काफ़ी ओल्डेस्ट है ना, लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रेन है ना। सो मुंबई तो फिरोजपुर के विचकार मेनली चलती है, मुंबई तो फिरोजपुर। सो नेक्स्ट देखते हैं, NH 95 पासिस थ्रू। सो नेशनल हाईवे 95 है, कितों पास करता। सो ऑप्शंस है पठानकोट मंडी, जलंधर बावल, खरड़ फिरोजपुर, अंबाला, शिपकिला। सहज 9, 10, 20 तक है, 10, 15, 10.25 से 10, 20 तक। सो NH 95 है जड़ा, ये पास कर दें। आशीष कुमार जी वेरी गुड, ये पास कर दें खरड़ फिरोजपुर। सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, खरड़ ते फिरोजपुर जो पास कर दें NH 95। सो पंजाब के लिए अपना आंसर हो चुका खरड़। नेक्स्ट है जी अगला क्वेश्चन 48। सो रेलवेज इन पंजाब फॉल्स अंडर विच जोन अमंग द रेलवे जोन्स इन इंडिया। सो आपां नूं पता है अपनी इंडियन रेलवेज नूं जोन्स दे विच डिवाइड किया होया है ना। सो पंजाब है जड़ा वो कि जोन च आ जाता है, नॉर्थ वैसट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ सेंट्रल या नॉर्दर्न जोन।
नहीं स्वे आ जाता जी नॉर्दर्न जोन है ना, नॉर्दर्न रेलवेज भी बोल देंगे, देखा होगा टिकट्स उत्ते लिखे होंगे नॉर्दर्न वेस्टर्न, ये पंजाब की गल थोड़ी हो रही है। देखो पंजाब तो नॉर्थ वेस्ट दे विच है ही है, लेकिन रेलवे दे जोन की गल की है, रेलवे का तो कल नॉर्दर्न जोन ही है। सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है पंजाब थोड़ी पूछे है, पंजाब तो नॉर्थ वेस्ट दे विच है ही है, ऐदा पूछे है रेलवे दे केड़े जोन च है। हाँ गलती नाल सही हो गया सहज नहीं समझे। देखो पंजाब तो नॉर्थ वेस्ट दे विच है ही है पंजाब, लेकिन जोन पूछे है केड़े रेलवे जोन च है। सतनाम जी सिमरन जी इंडिया तो ही है। चलो सो नेक्स्ट देखते हैं जी, 51st क्वेश्चन है द डीजल लोको मॉडर्नाइजेशन वर्क्स। ठीक है ए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ऑफ द इंडियन रेलवे सिचुएटेड एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इन पंजाब। सो डीजल लोको मॉडर्नाइजेशन वर्क्स ये फैक्ट्री कितने है, कपूरथला लुधियाना पटियाला या फिर फिरोजपुर। बिल्कुल सो डीजल लोको मॉडर्नाइजेशन वर्क जिन्हों DMW भी बोल देंगे दे, सो ये है जी पटियाला दे विच। ठीक है सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, दैट इज पटियाला है ना, रेलवे स्टेशन दे बिल्कुल नाल ही है। चलो सो नेक्स्ट देखते हैं जी अगला क्वेश्चन, एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेज इन द स्टेट ऑफ पंजाब इंडियन रेलवेज हैज ए रेल कोच मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। सो रेल कोच फैक्ट्री कितने है, कपूरथला फरीदकोट फिरोजपुर या फिर अमृतसर। हाँ जी सो बिल्कुल सो रेल कोच फैक्ट्री है जी कपूरथला दे विच। सो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, सो रेल कोच फैक्ट्री जो कि कपूरथला दे विच है ये बनाई गई सी 1986 दे विच, 1986 दे विच 1986। ठीक है सो रेल कोचिज इतने मैनुफैक्चर होंगे है। ठीक है सो इम्पोर्टेंट है करण ओजला बिल्कुल ठीक है करण ओजला, कपूरथला इज द करेक्ट आंसर। चलो बाकी भी जेडे छुपे हुए हो भी सारे बाहर आ जाओ। नेक्स्ट पंजाब स्टेट बस स्टैंड मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड केम इनटू एग्जिस्टेंस इन विच ईयर। सही गल है मोहित, ओके प्रदीप वेरी गुड। हाँ जी सो पंजाब स्टेट बस स्टैंड मैनेजमेंट कंपनी ये कदों बनी सी, 1947 50 48 या 57। सो इन पनबस ही बोलिया जाता, देखो पनबस ये तो तुम बसों के उत्ते लिखा भी पढ़िया होगा पनबस, एक तो बसों के PRTC लिखा होंगे एक लिखा होंगे पनबस। सो पनबस का मतलब यही है पंजाब स्टेट बस स्टैंड मैनेजमेंट कंपनी पनबस लिमिटेड, 18 डिपू है दे है ना। सो पनबस है जी ये बनी सी जी 1948। सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, दैट इज 1948। करण औजला जी गलत हो गया, वीर करण वेरी गुड सत श्री अकाल। नेक्स्ट है जी अगला क्वेश्चन है द मेन न्यूज़पेपर ऑफ पंजाब इज, सो पंजाब के जोड़े मेन न्यूज़पेपर पेपर केड़े है, द ट्रिब्यून पंजाब केसरी अजीत या ऑल ऑफ दी अबव। बिल्कुल सो सारे ही हैं, ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। सो मेन न्यूज़पेपर ट्रिब्यून भी है, पंजाब केसरी भी है, अजीत भी है ना। सो अपने घरों के भी मेनली यही आते हैं। सो डी ऑल इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो द टू रिलेटिव पब्लीकेशनस ऑफ द ट्रिब्यून न्यूज़पेपर आर। सो ट्रिब्यून दे केड़े होर पब्लीकेशनस है, पंजाबी पंजाब ट्रिब्यून दैनिक ट्रिब्यून या बोथ, केड़े हैं नन ऑफ दीस। ओके सहज
सो बिल्कुल सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, दैट इज बोथ ए एंड बी दोनों ही है, बिल्कुल दैनिक भी होंगे, ठीक है। जो दैनिक ट्रिब्यून है हिंदी के आता है, तो पंजाब ट्रिब्यून है जो पंजाबी ट्रिब्यून भी बोल देंगे, ये इंग्लिश के सॉरी पंजाबी के आता है, ठीक है। सो ट्रिब्यून है जोड़ा, यदि स्थापना जी हुई सी ट्रिब्यून की 1881 के हुई सी, 1881 तो ट्रिब्यून है जोड़ा छपना शुरू हुआ सो। सो नेक्स्ट देखते हैं जी, अगला क्वेश्चन है, विच मीडिया प्लेड ए सिग्निफिकेंट रोल टू प्रमोट पंजाबी फिल्म्स आफ्टर पार्टीशन। सो पंजाबी फिल्मों की पार्टीशन तो बाद उनू प्रमोट करने लिए केड़ी चीज़ सब तो ज़्यादा यूज की जाती सी, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर, ऑल इंडिया रेडियो या नन ऑफ द अबव। हाँ जी, सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑल इंडिया रेडियो। सो बिल्कुल ठीक है, सो ऑल इंडिया रेडियो मीन काफ़ी ज़्यादा पंजाबी फिल्मा गाणिया नू है ना, ये सोंग्स हो गए पंजाबी मूवीज़ दे, सो काफ़ी ज़्यादा चलाए जाते से ऑल इंडिया रेडियो ते बिफोर पार्टीशन, ते कई कई महीने ते कई कई साल इदा दे गाने चलते रहते, ठीक है। सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखो, बिफोर पार्टीशन विच सिटी वॉज द मेन सेंटर ऑफ पंजाबी फिल्म। सो पार्टीशन तो पहला मेन सेंटर पंजाबी फिल्म का वो केड़ा सी, लाहौर, मुल्तान, पटियाला या फिर जलंधर। सो पंजाबी मूवीज की प्रोडक्शन काफ़ी होंगी सी इतने, नछत्र जी कोई गल नहीं देख लेने हैं। सो ये की लगता है, ये भी लगता तो लाहौर ही है ना, चलो सो लाहौर इज द करेक्ट आंसर। सो पार्टीशन तो पहला जिहड़ा मेन सेंटर सी पंजाबी फिल्म प्रोडक्शन का वो सी लाहौर, ठीक है। थैंक यू वीरकरण, ठीक है जी। सो काफ़ी पंजाबी मूवीज़ है ना उस टाइम जो बनिया, हीर रांझा, मिर्जा साहिबा है ना, राजा गोपी चंद है ना, सो इम्पोर्टेंट है। सो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, दैट इज लाहौर, ठीक है जी। चलो सो ए सी आज थे अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मेनली सी अपने पंजाब जी के दे। ठीक है करण औचला जी, चलो सो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट पार्ट दे विच, ठीक है जी। मंडे, सो मंडे अपने 7:15 बजे डिस्कस करेंगे अपना मॉर्निंग दे विच अपने करंट अफेयर, तो रात को 9 बजे अगेन आप डिस्कस करेंगे अपना जीके का सेशन, ठीक है जी। सो थैंक यू एवरीवन। सकीना जी, बिल्कुल सकीना, फर्स्ट ए सी थोड़ा, थैंक यू, वेलकम टू द क्लास। सो इसी तरीके नाल जुड़े रहो, सेशंस देखते रहो। हरप्रीत सिंह जी, थैंक यू हरप्रीत सिंह, गुड नाइट एवरीवन, ठीक है। चलो थैंक यू हांडा जी, मोहित थोड़ा तो बिल्कुल रोज़ फर्स्ट डे है, एकम दी बिल्कुल थोड़ा ही फर्स्ट डे सी, सो वेलकम टू द क्लास। इसी तरीके ने अपने सेशंस देखते रहो है ना। सो मंडे मिलेंगे 7:15 बजे, तो रात को 9 बजे है ना, तो 1:15 बजे 1:15 बजे अपनी स्पोर्ट्स की क्लास भी होगी। सो अज भी क्लास लगी सी है ना, वो भी देख लियो। चलो सो गुड नाइट एवरीवन, मिलते हैं जी फिर अपने नेक्स्ट पार्ट के विच, टिल देन थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू ऑल।